शिक्षा तो भैया पढ़ा लिखा तो लादेन भी था, वो भी तो इंजीनियर था, इंजीनियर ही था ना शायद। अफजल गुरु भी पढ़ा लिखा था, पढ़े लिखने होने मात्र से क्या हो जाएगा यदि जीवन में संस्कार ही नहीं है, तो पढ़ लिख कर भी उल्टी हरकत ही करेगा, उल्टे काम ही करेगा। जहाँ मिसाइल मैन बन गए हमारे अब्दुल कलाम जी, देश की सेवा की अपनी विद्या को उन्होंने देश के लिए लगा दिया, यदि संस्कार नहीं होंगे तो अपनी विद्या से वो बम बनाएगा, कहीं बम ब्लास्ट करेगा, कुछ भी करेगा, लोगों की जान हानि करेगा, माल हानि करेगा। तो महाराज ये संस्कार बहुत आवश्यक है, सबसे अधिक आवश्यक है। पहले भी होते ऐसे ऐसे ऐसी माताएं, ऐसे भाई लोग होते थे जो नहीं पढ़े, बहुत पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन भैया क्या बात है, संस्कार, किसी से हम कैसा व्यवहार करें, कैसी वाणी बोलें। हाँ, ये बहुत सिखाने की आवश्यकता है महाराज, ये बहुत बताने की बात है। तो इसलिए पढ़ाओ, लेकिन पढ़ने के साथ संस्कार सबसे आवश्यक होता है। देखो भाई, तीन माताएं कुएं पर पानी भर रही थी गांव में, एक माता जी का पुत्र उधर से कार से गुजरा, कहा देखो 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 ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। थोड़ी देर के बाद दूसरी माता का पुत्र बाइक पर चढ़कर वहां से गुजरा, मोटरसाइकिल। दूसरी माता ने कहा ये मेरा बेटा है, शहर में पढ़ता है, हाँ बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ता है। इतने में तीसरी माता का पुत्र उधर से गुजर रहा था साइकिल पर, साइकिल खड़ी कर दी उसने, माता जी के आके चरण पकड़े, बोले माता जी एक काम करो, ये जो तूने पानी का घड़ा अपने सिर पर ले रखा ये मुझे दे दे और तू चल। उसने घड़ा ले लिया और माता जी को ले जाने लगा। तीसरी माता ने कहा ये मेरा बेटा है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है। भैया तुम कितने भी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ो, हिंदी मीडियम किसमें भी पढ़ो, उससे क्या मतलब है,